बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब, जनाब डॉक्टर खालिद महमूद साहब, मेरे अजीजों भाइयों और बहनों, आज हम लियाकत बाग रावलपिंडी में मौजूद हैं। पिंडी वाल के दरमियान रहते हुए अगर पिंडी वालों का जिक्र ना किया जाए तो बात अधूरी रहेगी। पिंडी वालों ने बयान दिया कि आलमी अमन की खातिर हमें कुछ तल्ख हकीकतें भूलनी पड़ेंगी और कुछ हकीकतें दफन करनी पड़ेगी। मैं उनसे पूछता हूं कि हजूर मुझे बताइए, क्या हमने ये भूलना है कि मोदी हिटलर है? हमने ये भूलना है कि बीजेपी फासिस्ट जमात है? या हमने ये भूलना है कि अगस्त 1947 में क्या हुआ था? या हमने 1971 दिसंबर का सानिया भूलना है? या हमें बताइए कि हमें 5 अगस्त का वो वाकया भूलना है कि जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके हिंदुस्तान ने कश्मीर पर अपने कब्जे को कानूनी बनाने की बात की थी? आप कहते हैं कि हमें कुछ दफन करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूं कि कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के अंदर 1,00,000 शहदा को दफन कर चुके। कश्मीरी अपनी इज्जतों को, अस्पतों को दफन कर रहे हैं। आप अब पाकिस्तान के लोगों से क्या दफन करवाना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि हजूर, हम कश्मीर का मुकदमा गिलगत बल्तिस्तान के अंदर दफन नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। आजादी है कश्मीर, हमारी खून के अंदर जिस तरह से एक लहू रगों के अंदर गर्दिश करता है, ये आजादी है कश्मीर भी इसी तरह से हमारी रगों के अंदर गर्दिश करता रहेगा। फिर आजकल एक बयानिया है कि अपने घर को ठीक करो, और इस घर को ठीक करने के लिए बयान दिए जाते हैं। मैं अपने लोगों से कहता हूं, इन बयानों को अमल के तराजू पे नापने और तोलने की कोशिश करें। यह बयानिया जिसने पाकिस्तान के अंदर फसाद बरपा किया हुआ है, बयानिया क्या है और अमल क्या है? जिंदगी भर एस्टेब्लिशमेंट वडेरे जागीरदार और सरमायादारों को कोसते हो, और जब वक्त आता है तो इन्हीं के कंधे पर रखकर इक्तदार के मजे लूटते हो। बयानिया ये है, अली बाबा बनते हो और 39 चोर अपनी काबीना में बैठाते हो, और एक सरदार सिर्फ नैब के दरवाजे पे चक्कर लगाता रहता है, इस मुल्क के अवाम को चक्कर देने की कोशिश करते हो। बयानिया ये है कि पिंडी के नामियाद बेटे को चपड़ासी नहीं बनाऊंगा, और अमल ये है कि जनाब उसे वजारत दाखला की कुर्सी पर बैठाते हो। बयानिया लंदन से भी आकर पॉपुलर हो रहा है। बयानिया क्या है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतों को चलने नहीं देती। मैं पूछता हूं, तुम्हारा अमल क्या था? फॉरवर्ड ग्रुप तुमने बनाए, छांगा मांगा तुमने आबाद किया, अदालतों में जाकर हुकूमतें तुमने करवाई, और लंदन में जाकर अपने लोगों को बुलाकर कुरान पाक को बीच में रख के एक्सटेंशन के फैसले किए। मेरे भाइयों, ऐसे बयानिए पर लानत भेजिए। इस पाकिस्तान को अगर ठीक करना है तो आप अमल देखिए। बयानियों पर जाएंगे, वोट देंगे तो वोट लेने वाले कहेंगे वोट लेने से पहले कि अगर हम IMF में गए तो खुदकुशी कर देंगे, और वोट लेने के बाद स्टेट बैंक के अंदर IMF को सलामत तसल्लत देने के लिए तरमीम करेंगे। नेपरा में तरमीम कर दी, बिजली के बिल और सरचार्जेस में इजाफा किए जा रहे हो। आखिरी बात ये कहता हूं, इस घर को
इस मुल्क को ठीक करना है तो दो बातें, पहली बात ये कि कर्ज लेने बंद कर दो, स्टेट बैंक और पाकिस्तान की माशी निजाम को दुरुस्त करने के लिए पूरी इकोनॉमी इंडस्ट्री के अंदर, माशी वजारत के अंदर, इकोनॉमिक डिवीजन के अंदर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के वायरस को खत्म कर दो। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जमहूरियत को ठीक करो, बच्चा जमूरा में नहीं चाहिए, वो बच्चा जमूरा कि जिसमें पार्टियां वसीयतों पर चलती हैं, प्यो पुत्र और फुफी पीपीपी का मतलब बन जाता है, और वसीयतों पर कभी बेटी आगे करते हो और कभी बेटे को आगे करते हो। यह बच्चा जमूरा जब तक इस लियाकत बाग की जमीन में दफन नहीं करेंगे, जमहूरियत बहाल नहीं होगी, न